गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो टुडे आई एम हैविंग माई IBPS क्लर्क एग्ज़ाम इन फर्स्ट शिफ्ट। तो सबसे पहले जो है वो रीजनिंग सेक्शन ओपन हो रहा है, फिर क्वांट और फिर इंग्लिश सेक्शन एट द एंड। सो टॉकिंग अबाउट इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश का लेवल ईजी है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के ही कंपेरिजन में वैसा ही है रीजनिंग का लेवल। तो इसमें मैंने अटैम्प्ट किए 34 क्वेश्चन, जिसमें कि एक जो वर्ड फॉर्मेशन वाला था उसको मैंने स्किप कर दिया। और इसमें वही सर्कुलर अरेंजमेंट था और ऐसे करके क्वेश्चंस थे, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस थे, 8 फ्लोर्स हैं उसमें लोग बैठे हुए हैं। और मूविंग ऑन टू द कॉन सेक्शन, हियर आई हैव अटेम्प्टेड 29 क्वेश्चन। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन ओपन हुआ, फिर बाकी कुछ वही जितने क्वेश्चंस होते थे। लेवल इज़ ठीक था लेवल, बस वही थोड़े से अर्थमेटिक थे, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज था। क्वांट में वही थोड़ा सा चीज़ें थी ठीक ठाक। और टॉकिंग अबाउट रीजनिंग, हियर आई अटेम्प्टेड 29 क्वेश्चन, एक रॉन्ग नंबर सीरीज मैंने स्किप कर दिया, बाकी इजी था इंग्लिश का लेवल, 5 मिनट पहले ही कंप्लीट हो गया था। और अनसीन पैराज भी आसान थे, बाकी वही इस तरह के क्वेश्चन थे सिंपल एज गुड एज वेल एज रॉन्ग नंबर सीरीज क्या मैं बोल रही हूँ। हाँ तो यही ओवरऑल अटेम्प्ट मेरे 92 है। लेट्स सी, आई हैव अप्लाइड फ्रॉम UP। और इसमें एक पैरा सिंबल था इंग्लिश सेक्शन में जिसको मैंने किया है BECAD। मे बी आई डोंट नो ये रॉन्ग है या करेक्ट है। इफ़ यू गाइज हैव डन दिस प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।